नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से आ रही है, जहां मंदिर में सुरक्षा में लगे सिपाहियों पर हमले के आरोपित मुर्तजा अहमद अब्बासी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के बैंक खातों में लाखों रुपए भेजे हैं। इसकी जानकारी यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS को मिल गई है। ATS मुर्तजा को ढूंढते हुए सिविल लाइन स्थित आवास पर भी गई थी, लेकिन वो मिल नहीं पाया। मुर्तजा को ये पता चल गया था कि ATS ने गिरफ्तारी का जाल बिछा दिया है, लिहाजा घर से लापता तो वो हो चुका था। फिर भी आनन फानन में घटना को अंजाम देने वो पहुंच गया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PSC जवानों पर हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाला था। वो कनाडा से ही ISIS के गठ सीरिया भागने की फिराक में था। आपको बता दें कि ISIS से प्रभावित वो तो था ही और फंडिंग भी करता था, क्योंकि कनाडा जैसे देशों में जाने के लिए कड़े नियमों का पालन और अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना बेहद जरूरी है। इसीलिए मुर्तजा ने बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे, लेकिन ये रुपए उसे विदेशी फंडिंग के जरिए नहीं मिले थे। उसके परिवार के लोगों ने ही उसके खातों में ये रकम डाल रखी थी। जब मुर्तजा को अपनी गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने मंदिर में फिदायीन हमला प्लान किया। उसने सोचा था कि पकड़े जाने से बेहतर है किसी को मार कर मरो। मुर्तजा ISIS से इतना प्रभावित हो चुका था कि वो सिर्फ अपनी जान देने तक ही नहीं बल्कि रुपए भी आतंकियों की मदद के लिए भेजता था। वो तकरीबन 8 लाख रुपए नेपाल के बैंक खातों के जरिए ISIS को भेज चुका था। उसे ऐसा लगता था कि वो अल्लाह की राह में लगे बंदों की मदद कर रहा है। ATS की अलग अलग टीमों में मुर्तजा सहित उसके परिवार और उसके संपर्क में रह रहे लोगों से पूछताछ कर रही है। उसके परिवार के लोगों ने ATS के पूछताछ में खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मुर्तजा कनाडा जाने वाला था। हालांकि परिवार का ये भी दावा है कि वो कनाडा जॉब के सिलसिले में जाने की तैयारी कर रहा था। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। ATS के ADG, IG व STF के ADG के साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों ने डेरा डाल। NIA के अफसर भी आ सकते हैं और गुजरात ATS के भी जाने की चर्चा बताई जा रही है।